कई लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, परंतु वास्तव में इनका अस्तित्व होता है। ये हमें दिखाई नहीं देते, पर हमारे आसपास ही किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और आप सुन रहे हैं दीपिकाज फियर बॉक्स। आज आपको बताने वाली हूँ रीमा की एक सच्ची कहानी। रीमा कॉलेज में पढ़ने वाली एक होनहार छात्रा थी। उसे भी भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज में विश्वास नहीं था। एक दिन वो दुकान से कुछ सामान ले रही थी, तभी वहाँ पर एक विचित्र सी दिखने वाली एक लंबी चौड़ी औरत आई और उसके बिल्कुल बाजू में आकर खड़ी हो गई। उस औरत के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी थी। गले और हाथों में बहुत भारी भरकम आभूषण पहने हुए थे। बाल लंबे और काले घने थे, जिसे उन्हें खुला छोड़कर रखा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों में मानो खून उतर रहा था। वो औरत अपनी बड़ी आंखों से रीमा को लगातार घूरे जा रही थी। उस औरत का रंग रूप देखकर रीमा के तो पसीने छूट गए थे, पर आश्चर्य की बात थी कि दुकान में उपस्थित किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इतनी डरावनी और विचित्र थी, पर कोई उसे देख तक नहीं रहा था। तभी अचानक महिला रीमा के कानों में कुछ फुसफुसाती है, मेरी आंखों में देख। और रीमा उसकी आंखों में देखने लगती है। वो महिला दुकान के बाहर निकल जाती है। अपना शॉपिंग बैग वहीं छोड़कर रीमा भी उसके पीछे पीछे मशीन के जैसे चलकर निकल जाती है। तभी उसकी सहेली की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे आवाज देती है, रीमा। रीमा अचानक होश में आती है। उतनी ही देर में वो महिला कहीं गायब हो जाती है। रीमा घर आकर अपनी दादी को सारी हकीकत बताती है, जिससे दादी काफी डर जाती है और वो कहती है, वो जरूर कोई भूतनी होगी। मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि किसी भी अनजान इंसान की आंखों में मत देखा करूं, पर तुम्हें तो हर बात मजाक ही लगती है। मैं तुम्हें एक धागा देती हूँ, उसे बांध लो। देखना, वो भले ही अब तुम्हें दिखाई दे, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रीमा अपनी दादी की बात को हंसी में उड़ा देती है। वो उस धागे को पहन तो लेती है, पर उसे उस पर कोई विश्वास नहीं होता। अब वो महिला उसे हर जगह दिखाई तो देती है, कभी हंसते तो कभी रोते हुए, लेकिन वो महिला उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन एक दिन नींद में रीमा के हाथ से वो धागा छूट जाता है, जिसका रास्ता वो साया वो महिला कब से देख रही थी। उसी रात रीमा को उस साये की आवाज सुनाई देती है, रीमा मेरे पास आओ। रीमा बुत बनकर उसके पीछे मशीन की तरह चली जाती है। वो महिला सामने आते हुए एक ट्रक से भिड़ जाती है और उसी की देखा देखी रीमा भी उस ट्रक के आगे भिड़ जाती है और वहीं ऑन द स्पॉट रीमा की डेथ हो जाती है। और अब रीमा भी ऐसे ही भूत बनकर सबको डराया करती है। गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके साथ अगर ऐसे छोटे मोटे कोई वाकये हुए हों तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।